देखो नेक्स्ट अब डिस्कस करना है आपको इमेज फॉर्मेशन इन लेंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको डिस्कस किया था कैसे लेंस में रे ट्रेवल करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर। रे के ट्रेवल करने के रूल्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसी लेंसेज के अंदर इमेज कैसे फॉर्म्ड होती हैं और उन इमेजेस का प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज़ किया जाता है, किस डिवाइस में हम या किस अरेंजमेंट में उन कंडीशंस का हम यूज़ कर रहे होते हैं, ये देखेंगे बेटा। तो देखते हैं सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंसेस में। फर्स्ट फॉर कन्वेक्स लेंस के लिए हम डिटेल डिस्कशन करेंगे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। कन्वेक्स लेंस में पहला है जब किसी ऑब्जेक्ट को हमने कहां पर रखा गया है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब होता है लॉन्ग डिस्टेंसेस में अगर हमने किसी को प्लेस कर रखा है, दैट केस इज इन्फिनिटी। ठीक, इट मीन व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। देखो इन्फिनिटी का मतलब ये मत समझा करो कि इन्फिनिटी तो बहुत लॉन्ग होगा, इसका कंपैरेटिव ये होता है कि लेंस का जो फोकल लेंथ है उसके कंपैरेटिवली ऑब्जेक्ट लार्ज डिस्टेंसेस पर प्लेस्ड होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम बोला करेंगे ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो ये हमारा लेंस है कन्वेक्स लेंस। ठीक, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है एज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर प्लेस्ड है तो उससे आने वाली जो रेज होंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, ये इसका फोकस है। ये सभी रेज फोकस पर कन्वर्ज करेंगी, दे आर कन्वर्ज एट दिस पॉइंट, इस वाले पॉइंट पर कन्वर्ज करेंगी और जहां ये कन्वर्ज कर जाएंगी यहीं पर उसकी इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, अब वो इमेज कैसी होगी, किन किस नेचर को पजेस कर रही होगी, ये सब चीजें और हमको डिस्कस करनी होती हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो रेजेस एक्चुअली मीट कर रही हैं। जब भी रेज एक्चुअली मीट करती हैं तो जो इमेज होगी वो रियल होगी, है ना। दैट मीन हमने पहले अंडरस्टैंड हो गया कि ये रियल होगी, और जब भी रियल होती है इमेज तो वो इरेक्ट होगी, सॉरी इनवर्टेड। रियल के साथ उसको कैसा होना होगा, इन्वर्टेड होगी। पहली कंडीशन है इमेज इज सबसे पहले रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड में क्या हो सकता है, ठीक है, अब देखो ये सभी रेजेस एक पॉइंट पर क्या हो रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं, तो जो इमेज का साइज होगा वो भी पॉइंटेड होगा, दैट मीन पॉइंटेड इमेज होगी। और फोर्थ कंडीशन में हमने ये डिस्कस करना था, फोर्थ कंडीशन में क्या होगा, एक पॉइंटेड होगी या आप वेरी स्मॉल लिख सकते हो, डिमिनिश्ड लिख सकते हो, पॉइंटेड लिखोगे ज्यादा अच्छा है, ज्यादा इफेक्टिव है ना। और कहां पर बन रही है, एट फोकस। ये आपको पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर प्लेस्ड होगा तो उसकी बनने वाली इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, पॉइंटेड होगी, एट एफ होगी। अगला पार्ट देखो, एप्लीकेशन कहाँ है, यूज कहाँ है इसका, इस कंडीशन का हमने कहाँ यूज कर रखा होता है, आप सोचो कि इसका हमने कहाँ पर यूज करना है। कोई एक ऐसी कंडीशन सोचो जिसके अंदर इसको यूज किया जाता हो, तो आपने एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होती है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, जैसे आप कभी नेहरू प्लेनेटोरियम वगैरह में गए हो, वहां पर आपको एक मतलब फार ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एक तरह की टेलीस्कोप्स होती हैं, आप उन टेलीस्कोप्स को देखोगे तो उसमें तो जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इस कंडीशंस के साथ हमने डिस्कस कर रखा है, दैट इज ये वाली कंडीशन में इमेज फॉर्म होती है। अब हम सेकेंड कंडीशन लेते हैं इसकी। सेकेंड कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से आगे लाते हैं और 2f से पहले रखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, 2f से पहले होना चाहिए, है ना।
अगर 2x पर पहले होगा तब उसकी इमेज कैसी बनेगी, ये चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा लेंस है, अब ये 2f है और ये यहां ये f और ये 2f है, इसमें भी एक f है और एक 2f है। अब आप ऑब्जेक्ट को 2f के बियॉन्ड रखो, यहां पर मैंने आपको रे का पैटर्न डिस्कस किया था, फर्स्ट रे ले लो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो कहां से पास होगी, फोकस से। और सेकंड रे ले लो जो इसके सेंटर से चलेगी, और जो सेंटर से चल के जाएगी वो विदाउट एनी डेविएशन, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो विदाउट एनी डेविएशन यहां से निकलेगी, है ना। ये हमारा फोकस है, ये 2f है, ये भी f है, ये 2f है। इसका मतलब जो इमेज होगी वो इस कंडीशन की होगी। देखो पहली कंडीशन में तो कोई चेंज नहीं आया, एक तो रियल होगी ही होगी, दूसरा इन्वर्टेड भी होगी। अगर हम अब नेक्स्ट बात करते हैं तो देखो अब ये साइज इसका जो पॉइंटेड था ना वो पॉइंटेड नहीं रहेगा, है ना, डिमिनिश्ड होगा, ये स्मॉल इन साइज होंगे। और कहां पर बनेगी, इन बिटवीन एफ एंड टू एफ, इस तरह से इमेज बनेगी, किस किस के बीच में, एफ और टू एफ के बीच में इमेज फॉर्म होगी, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो आपने ये तो देख लिया, अब आप सोचो इसको कहां यूज किया गया होगा, That is, कब हमने इस कंडीशन को यूज किया है। तो इस कंडीशन को हम यूज करते हैं नॉर्मली कैमरा के अंदर, जब हम कैमरे करते हैं ना, यूज्ड इन कैमरा, कैमरे के अंदर हम इसी कंडीशन में इमेज को फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो हमने दो केस डिस्कस कर दिए, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है और जब ऑब्जेक्ट 2f के बियॉन्ड है। अब नेक्स्ट टू केसेस को देखते हैं, ऑब्जेक्ट इन बिटवीन कहां पर है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट हमने रखा 2f पर, ऑब्जेक्ट को अब आगे लेके आओ थोड़ा सा, है ना, और आगे लेके आते, ये हमारा कन्वेक्स लेंस हो गया, इस कन्वेक्स लेंस में ये f है, ये 2f है, ये इधर भी होगा f और इधर भी 2f, फाइन। अब आप देखो कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से हमने प्लेस किया, फर्स्ट रे वही होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो फोकस से जाएगी, और सेकंड रो जो उसके ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ये दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर उसकी इमेज बनेगी यहां पर। ठीक है, तो ये उसकी क्या होगी, इमेज होगी, किसकी, जो ऑब्जेक्ट 2f पर प्लेस्ड है उस ऑब्जेक्ट की इमेज 2f पर ही बनेगी। इसका मतलब पहली कंडीशन होगी कि रियल होगी, दूसरी कंडीशन होगी कि वो इन्वर्टेड होगी, थर्ड कंडीशन अगर हम लेते तो क्या होता, कहां पर है, एट टू एफ, और साइज कैसा है उसका, सेम इन साइज है, सेम इन साइज, देख लो, नहीं तो एक तो साइज उसका सेम होगा, फाइन। अब आप ये देखो कि कहां पर हमने इस कंडीशन का यूज किया है, कहां पर यूज होता है। ठीक है, तो एक और टेलीस्कोप अगर आपने देखा हो, तो जैसे आप मैच देखने जाते हो क्रिकेट मैच, तो पिच वगैरह को देखने की कोशिश करते हैं, जिन्हें हम बाइनोक्युलर बोलते हैं, नॉर्मली वो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप्स होती हैं, उनमें हम इस कंडीशन का यूज करते हैं, दैट इज यूज्ड की जाती है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में इस कंडीशन का हमने यूज किया है। डी वाली कंडीशन लेते हैं, अब ऑब्जेक्ट को रखो इन बिटवीन 2f एंड f, इन बिटवीन 2f एंड f, देखो अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा, ये हमारा लेंस है, ये f, ये 2f, ये भी f, ये 2f, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहां प्लेस कर दो,
जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे है वो फोकस से जाएगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो है ना ऐसे। अब ये जहां इंटरसेक्ट करेंगी आपको बताएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर उसकी इमेज बनती है। अब जैसा आप इमेज दिखाई पड़ रही है आप कंडीशन इजीली लिख सकते हो, दोनों कंडीशंस में तो कोई चेंज आता ही नहीं है, रियल होगी इन्वर्टेड होगी फाइन, और कहां पर है बियॉन्ड 2f। साइज कैसा होगा, लार्ज इन साइज या मैग्नीफाइड बोल सकते हो, लार्ज इन साइज। अब आप ये देखो यूज कहां किया जाता है इस कंडीशन का, तो देखो आपने स्कूल्स में अपने स्कूल में प्रोजेक्टर्स वगैरह देखे हैं, देखे ना आप कभी अपनी लैब वगैरह में जाते होंगे तो वहां आपने देखा होगा प्रोजेक्टर्स को, तो प्रोजेक्टर्स इसी कंडीशन पर बेस्ड ऑन होते हैं, दैट इज प्रोजेक्टर्स जो भी हैं। प्रोजेक्टर्स में हम इसको यूज करते हैं, याद रहेगा ना। तो ये चार कंडीशंस में हमने आपको इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंसेस में डिस्कस कर दिया। अब हमारे पास दो कंडीशंस और बचती हैं, एक तो जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे और एक को जब फोकस से आगे रखेंगे। अब देखो दो केसेस में जो आपके सामने लिखे हमने, ऑब्जेक्ट को एफ पे रखना है और ऑब्जेक्ट को एफ एंड सी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखना है। तो देखो इसमें क्या करते हैं, हमने ये कंडीशन ले ली, ये हमारा कन्वेक्स लेंस हो गया। अब आप ऑब्जेक्ट को इसके फोकस पर रखो, ये हमारा फोकस है, हमने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया एफ पर, रेज वही रहेगा जो पहले लेते थे, फर्स्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, दूसरा उसके ऑप्टिकल सेंटर से है, ये फोकस से जाएगी और लॉन्ग डिस्टेंस में कहीं जाकर के इमेज पोजेस करेंगी, दैट मीन दे इंटरसेक्ट एट लॉन्ग डिस्टेंस, दैट इज इंफिनिटी की तरफ मूव करेगी। इसका मतलब है जो इमेज बनेगी वो एक तो रियल होगी इन्वर्टेड होगी, दूसरा कंडीशन क्या लोगे कि मैग्नीफाइड होगी, वेरी लार्ज होगी मैग्नीफाइड, और एट इंफिनिटी होगी। अब कहां यूज किया जाता है ये बात भी आप समझ सकते हो कि इंफिनिटी पर इमेज को कहां पर हम यूज करते हैं ना, तो आपकी जो सर्च लाइट बनती है ना, सर्च लाइट जो होती है सर्च लाइट्स, उनमें इस कंडीशन का यूज किया जाता है, याद रहेगा। ऐसे ही एफ वाला कंडीशन ले लेते हैं, अब ऑब्जेक्ट को ये एफ और ये सी इसके बीच में रखो, यहां पर ओ या सी जो भी हम मान लें सी मान लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से जाएगी और ऑप्टिकल सेंटर वाली रे विदाउट डेविएशन जाएगी, लेकिन अगर इनको आप एक्सटेंड करोगे है ना, ये हमने एक्सटेंड कर दी, तो जहां पर ये मीट करेंगी वहां इसकी इमेज बनेगी। इसका मतलब देखो यहां पर इसकी इमेज पोजेस होगी ये ऐसे, और अब जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी, ठीक है, इरेक्ट होगी, मैग्नीफाइड होगी, और सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, इस तरह से इमेजेस फॉर्म करेंगी, याद रखना है ना। इसको देखो इसका यूज कहां किया जाता है ना, इसका यूज आप देख सकते हो जहां पर भी हम क्या करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास में, सिंपल माइक्रोस्कोप में इसका यूज किया जाता है, सिंपल माइक्रोस्कोप में इसका यूज करोगे। तो ये हमारे कन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन थे और जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए, कन्वेक्स लेंस में 6 केसेस थे, 6 केसेस यहाँ पर डिस्कस हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास कनकेव मिरर बचता है, अगले वीडियो में हम कनकेव मिरर लेंगे और उससे रिलेट करने वाली प्रॉब्लम्स को लेंगे।